प्यारे बच्चों आज हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक एंटेसिटी ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट्स शीट आर पैरल टू वन एंड अदर ये दो चार्ज शीट्स हैं ए एंड बी ये दोनों थिन हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं प्लेन हैं चार्ज हैं और एक दूसरे के पैरल हैं लेट सिग्मा ए इज द सर्फेस चार्ज डेंसिटी ऑन शीट ए यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा ए इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा सिग्मा ए एंड लेट सिग्मा बी इज सरफेस चार्ज टेंसिटी ऑन शीट बी यानी इसके यूनिट एरिया पर कितना चार्ज सिग्मा बी सिग्मा ए इज ग्रेटर देन सिग्मा बी ग्रेटर देन जीरो यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेट द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन शीट ए इज ई ए स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हैं सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन शीट ए इज ई एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन शीट बी इज ई बी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू तो टू थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट इज सिग्मा ओवर टू एब्साइल एंड नॉट यहाँ क्योंकि सिग्मा ए है तो ई ए, ए कितना होगा सिग्मा ओवर टू एपसाइल एंड नॉट ई बी कितना होगा सिग्मा बी ओवर टू एब साइल एंड नॉट अब देखिए कि यहाँ इन एक्सप्रेशंस में कहीं भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है these expressions are independent of 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 the the distance of point of observation from फ्रॉम द चार्ज शीट मीन शीट के वो सेम रहेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम रहेगी दैट इज ई ए सेम रहेगी इसी तरह से इस शीट के Uh, इस तरफ इस तरफ कितने भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम रहेगी कांस्टेंट रहेगी दैट इज ई बी डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट फॉर पॉजिटिव चार्ज मतलब इस तरफ ये uh, इधर नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट तो यहां इस तरफ होगी इसी तरह से ई बी की डायरेक्शन नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ ये या पर ये। चलिए साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट विल बी टेकन एज नेगेटिव ठीक वैसे ही जैसे हम यहाँ ओरिजिन ले लें तो हम ओरिजिन के राइट की तरफ जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको पॉजिटिव लेते हैं और जो लेफ्ट की तरफ मेजरमेंट्स होते हैं उनको नेगेटिव लेते हैं चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन दिस रीजन जिसको कि हम वन कह रहे हैं इन दिस रीजन रीजन टू एंड रीजन थ्री ये रीजन शीट बी के इस तरफ ये इन बिटवीन द शीट सॉरी रिजन ए के इस तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट अब ई ए इस तरफ पॉइंट कर रही है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन रिजन वन इस रिजन कितनी होगी ई इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव ई बी पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव तो ये कितनी होगी माइनस ई ए माइनस ई बी वैल्यूज लगा दें ई ए की वैल्यू सिग्मा ए ओवर टू एफ नॉट ई बी की वैल्यू सिग्मा बी ओवर टू एफ नॉट तो ये आ गया वन ओवर माइनस वन ओवर टू एफ नॉट इंटू सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन रीजन टू ई ए इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट पॉजिटिव ई इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव तो ये कितना आ गया ई e ए माइनस ई बी इक्वल टू वैल्यूज लगा दें तो ये आ जाएगा वन ओवर टू एफ नॉट सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन रिजन थ्री ई ए पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव ई बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव तो ये हो जाएगी ई ए प्लस ई बी ये आ गया वैल्यूज लगा दें तो जाएगा वन ओवर टू इट आइलेंट नॉट इन टू सिगमा ए प्लस सिग्मा बी चलिए अब डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस नंबर वन इफ सिग्मा ए इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू सिग्मा मीन्स के दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज है और चार्ज डेंसिटी सेम है अब इस केस में क्या होगा कि आ, E1 कितना आ जाएगा माइनस वन ओवर टू एब्साइल एंड नॉट सिग्मा ए की जगह सिग्मा सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा तो ये आ गया माइनस टू सिग्मा ओवर टू एबसाइल एंड नॉट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ओवर एप्साइलन नॉट ई टू कितना आ जाएगा सिग्मा ए की जगह सिग्मा सिग्मा बी की जगह भी सिग्मा तो सिग्मा माइनस सिग्मा ज़ीरो मीन्स इन बिटवीन द शीट्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी ई थ्री रीजन में सिग्मा एक की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह सिग्मा तो ये आ गया सिग्मा ओवर टू एप्साइल नॉट तो हमने देखा कि अगर सेम है चार्ज डेंसिटी और सिमिलर चार्ज है तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी इस रीजन में डबल हो जाएगी सिग्मा ओवर टू एप्साइल एंड नॉट सिग्मा ओवर एपसाइल नॉट और इधर भी डबल हो जाएगी आइए इसको समझते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है क्या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट इज स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एफ इज फोर्स ऑन क्यू नॉट अब अगर हम क्यू नॉट को यहाँ रखें तो इस शीट की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ये उसको रिपेल करेगा और इस शीट की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा ये भी अब चार्ज डेंसिटी सेम है तो ये फोर्सेस इक्वल होंगे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा केव नॉट पर जीरो जीरो ओवर क्यू नॉट इक्वल टू तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी यहाँ अगर हम क्यू नॉट को रखेंगे तो ये उसको रिपेल करेगा ये भी रिपेल करेगा इक्वल फोर्सिज इन सेम डायरेक्शन दिस डायरेक्शन फोर्स डबल हो जाएगा टू ए फोवर के नॉट तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डबल हो जाएगी इस रीजन में इसी तरह से यहाँ भी डबल हो जाएगी चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकेंड स्पेशल केस इफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इज इक्वल टू माइनस सिग्मा मीन्स कि एक शीट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर इक्वल नेगेटिव चार्ज ई वन कितना हो जाएगा वैल्यूज लगा दें माइनस वन ओवर टू एप्स नॉट सिग्मा ए की जगह वैल्यू सिग्मा और सिग्मा बी की जगह क्या लगाएं माइनस सिग्मा तो ये हो, uh, E2, sheets, sigma, sigma minus, 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 हो गया जीरो ई टू सेकेंड रीजन में बिटवीन द शीट्स सिग्मा ए की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा ये माइनस 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 प्लस होके ये आ गया सिग्मा प्लस सिग्मा ये टू सिग्मा ओवर टू एप्स नॉट सिग्मा ओवर एबसाइलेंट नॉट ई थ्री कितना आ जाएगा सिग्मा ए की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा ये हो गई जीरो uh, चलिए इसको देखते हैं अगर इस रीजन में हम स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में ये रिपेल करेगा और इसकी वजह से फोर्स लगेगा uh, इसी डायरेक्शन में ये अट्रैक्ट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फॉर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड डुवर्ड सेट तो क्यू नॉट पर इक्वल फोर्सेस लगेंगे सेम डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स डबल हो जाएगा टू एफ ओवर क्यू नॉट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो जाएगी डबल सिग्मा ओवर एफ नॉट अब इस रीजन में अगर हम क्यू नॉट को रखेंगे तो ये उसको रिपेल करेगा ये अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में फोर्स ज़ीरो हो जाएगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस रीजन में ज़ीरो हो जाएगी इसी रीजनिंग से इधर भी ज़ीरो हो जाएगी बच्चों ये केस इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कैपेसिटर का केस है दो शीट्स लेते हैं पॉजिटिव और दूसरी इक्वल नेगेटिव और इन बिटवीन द शीट्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया जाता है विच आई एम श्योर यू हैव फॉलोड थैंक यू